हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम सी के डेटा टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डेटा टाइप्स की प्रोग्रामिंग में क्या ज़रूरत है। नाउ, जब भी आप कोई एग्ज़ाम फॉर्म या किसी भी तरह का फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ पे वी नीड सर्टन इंफॉर्मेशन, लाइक आप नेम फिल करते हो, रोल नंबर फिल करते हो, मार्क्स फिल करते हो। तो इनमें जो वैल्यूज़ की टाइप है सबकी डिफरेंट होती है। लाइक नेम जो है, नेम इज़ जनरली अ ग्रुप ऑफ करेक्टर्स। इसी तरह जेंडर के लिए हम ओनली वन करेक्टर एम या एफ लिखते हैं। सिमिलरली रोल नंबर जनरली जो होता है वो एक इंटीजर होता है, मीन्स उसमें फ्रैक्शन वैल्यू अलाउड नहीं होती। एंड इसी तरह जो मार्क्स होते हैं दैट कैन बी इन फ्रैक्शन, मीन्स जो ये अगर हम क्वान्टिटीज़ को वेरिएबल बोलें, लाइक इफ़ वी से रोल नंबर, मार्क्स, नेम, दीज आर वेरिएबल्स, तो इनकी जो वैल्यू है वो डिफरेंट टाइप की है। नाउ किस वेरिएबल में कौन सी वैल्यू हो सकती है ये हमें डेटा टाइप बताएगा। सो वी कैन डिफाइन डेटा टाइप। डेटा टाइप डिटरमिन्स द टाइप ऑफ इनपुट टू बी कैरीड आउट इन ए वेरिएबल, मीन्स एक वेरिएबल के अंदर हमने किस तरह की वैल्यू स्टोर करनी है, दैट इज़ नोन एज डेटा टाइप। डेटा टाइप हमें तीन चीज़ों के बारे में बताते हैं। फर्स्ट इज टाइप ऑफ द वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड, लाइक उसमें इंटीजर स्टोर होगा, फ्रैक्शनल स्टोर होगा, सिंगल करेक्टर स्टोर होगा या ग्रुप ऑफ करेक्टर स्टोर होगा। देन सेकेंड, इट विल टेल इट्स रेंज। नाउ रेंज मीन्स कि उस वेरिएबल की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। लाइक अगर वो इंटीजर है तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। देन उसका मेमोरी में साइज कितना होगा, उसको कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है। एंड थर्ड इज उसके ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो सी में हमारे पास सिक्स टाइप ऑफ डेटा टाइप्स हैं, उनकी कैटेगरीज हैं। अभी इस सेशन में हम ओनली सिंपल डेटा टाइप डिस्कस करेंगे। सिंपल डेटा टाइप को बेसिक, प्रिमिटिव या इनबिल्ट डेटा टाइप भी कहा जाता है। तो सिंपल डेटा टाइप ऑलरेडी इनबिल्ट होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर, तो हमें इनको सिर्फ यूज़ करना है। तो इन सी देयर आर थ्री टाइप ऑफ बेसिक डेटा टाइप, दैट आर इंटीजर, इसके लिए कीवर्ड इंट है, देन फ्लोटिंग टाइप फ्लोट एंड करेक्टर टाइप दैट इज कैर। इसके अलावा डिराइव डाटा टाइप्स होते हैं सी में, दीज आर आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी डाटा टाइप्स। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे एरेज एंड स्ट्रिंग्स, ये सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में आएगा। ये एरेज एक कंप्लीट चैप्टर है, सिमिलरली एक स्ट्रिंग एक कंप्लीट चैप्टर है। इसी तरह थर्ड आर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स विच इंक्लूड स्ट्रक्चर एंड यूनियन, अगेन देर इज कंप्लीट चैप्टर फॉर स्ट्रक्चर एंड यूनियन। Then we have enumerated data types, pointer data type and empty data type or void data type. अभी मैं बाकियों के सिर्फ name बता रहा हूँ आपको, और detail में अभी हम simple data type को discuss करेंगे। तो simple data type, as the name suggests, it is also called basic or primary data type, means ये computer में inbuilt ही होते हैं, इनको हम as such use कर सकते हैं। तो इनमें सबसे पहला data type है, that is integer data type. इंटीजर डेटा टाइप के लिए हम कीवर्ड यूज़ करते हैं इंट। तो जब हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करेंगे तो वेरिएबल, सपोज हमने रोल नंबर इंटीजर लेना है, तो इसको प्रोग्रामिंग में ऐसे लिखा जाएगा इंट देन स्पेस देन वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम आप कोई भी एक वैलिड आइडेंटिफायर ले सकते हैं जिसके रोल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो इंट रोल नंबर इज योर इंटीजर डेटा टाइप। नाउ इसकी फीचर्स क्या हैं आप? तो सबसे पहले इसकी फीचर ये है कि इंटीजर जो है होल नंबर होते हैं विदाउट डेसिमल विद ए रेंज ऑफ वैल्यूज, मींस इंटीजर के अंदर फ्रैक्शनल वैल्यू अलाउड नहीं है, मींस इसमें हम डॉट यूज़ नहीं कर सकते, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू है वो फिक्स है। अनलाइक मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में जो इंटीजर की रेंज है वो इनफाइनाइट है, बट कंप्यूटर के क्योंकि एक मशीन है तो मशीन में हम इनफाइनाइट वैल्यू नहीं ले सकते, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू जो है वो फिक्स है। इंटीजर का जो साइज होता है मेमोरी में, दैट इज टू बाइट्स। अब वन बाइट 8 बिट्स के इक्वल होता है, तो टू बाइट्स को हम 16 बिट्स भी कह सकते हैं। बिट इज आइदर 0 और 1, तो मींस इंटरनली जो इंटीजर है वो 16 बिट की फॉर्म में स्टोर होगा। अब इसकी रेंज करें तो रेंज इंटीजर की जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज -32,768 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 32,767। तो इसके लिए हमारे पास एक जनरल फार्मूला भी है रेंज को निकालने के लिए। अगर नंबर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, तो
तो इसकी रेंज कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला है माइनस टू रेज टू पावर एन माइनस वन टू टू रेज टू पावर एन माइनस वन माइनस वन। यहाँ पे एन क्या है? नंबर ऑफ बिट्स। अब इंटीजर के केस में बिट्स जो 16 होते हैं, एक वन इंटीजर के लिए 16 बिट्स के इक्वल है, तो 16 माइनस वन यहाँ पे 15 आ जाएगा। अगर आप 2 रेज टू पावर 15 को सॉल्व करेंगे, 2 को मीन्स 15 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, तो यू विल गेट 32768। सो दैट्स वाई इसकी रेंज जो है माइनस 32768 से लेके 32767 तक है। देन जो हमारा इंटीजर है इंट, इंट कैन बी साइंड और अनसाइंड। अगर तो हमारा नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं तो हम जनरली साइंड इंटीजर यूज़ करते हैं। साइंड इंटीजर में 1 बिट में साइन स्टोर होता है और 15 बिट में उस नंबर की वैल्यू स्टोर होती है। अगर हमारा नंबर सिर्फ पॉजिटिव ही वैल्यू हो सकती है उसकी, तो हम उसको अनसाइंड इंटीजर ले सकते हैं। अनसाइंड इंटीजर में 16 बिट्स आर यूज टू स्टोर दी मैग्नीट्यूड। अभी हम इसकी रेंज करेंगे। देन अगर हमारा नंबर बहुत छोटा है तो हम उसमें उसके लिए शॉर्ट इंट यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर नंबर बहुत बड़ा है तो हम उसके लिए लॉन्ग इंट यूज़ कर सकते हैं। तो आपने इसमें 5 कीवर्ड्स डिस्कस कर लिए हैं। 1 इज़ इंट, 2 इज़ साइंड, अनसाइंड, शॉर्ट एंड लॉन्ग। तो नेक्स्ट, अभी इन सब की एक समरी है इस टेबल के अंदर, यू कैन सी इट। अगर हम नंबर इंट के आगे कुछ नहीं लिख रहे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये साइंड इंट है। तो इंट और साइंड इंट इज सेम इन सी लैंग्वेज। तो इसका जो साइज़ है वो 16 बिट्स है, ये बिट्स में दिया हुआ साइज, एंड इट्स की रेंज दी हुई है माइनस 32768 टू 32767। अगर हम नंबर हमें ओनली पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए तो वी कैन राइट अनसाइंड इंट। तो अनसाइंड इंट का साइज सेम रहेगा, लेकिन अब इसकी रेंज जो है वो जीरो से स्टार्ट होगी, जीरो से लेके 65535। और इसका जो फार्मूला है दैट इज़ जीरो से लेके टू रेज टू पावर एन माइनस वन है इसका फार्मूला। तो एन इज हियर 16, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 65535। सिमिलरली जो शॉर्ट इंट है और साइंड शॉर्ट इंट है, इट टेक्स 8 बाइट्स, लेकिन कुछ कंपाइलर्स में शॉर्ट इंट और इंट सेम ही होता है। सो माइनस 128 टू 127 इसकी रेंज है। एंड सिमिलरली वी हैव लॉन्ग इंटीजर। लॉन्ग इंटीजर यूज़ होता है जब हमारी वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है, से हमने किसी पर्सन की सैलरी स्टोर करनी है एंड इट्स सैलरी इज़ 1 लाख, तो 1 लाख हम इंटीजर में नहीं स्टोर कर सकते, ना ही अनसाइंड इंट में स्टोर कर सकते हैं। फॉर दैट वी कैन यूज लॉन्ग इंट। इट्स साइज इज 32 एंड यू कैन सी इट्स रेंज माइनस 2147483648 से लेके 2147483647। अब इसमें एन की वैल्यू 32 हो गई है, सो इसका फॉर्मूला जो है माइनस 2^31 से लेके 2^31 माइनस 1 है। सिमिलरली अनसाइंड लॉन्ग इंट 32 और इसकी रेंज जो है जीरो से स्टार्ट होगी। सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, साइंड मीन्स नंबर कैन हैव साइन पॉजिटिव और नेगेटिव, अनसाइंड इज विदाउट साइन। तो जहाँ पे हमारा डेटा लाइक सैलरी है, रोल नंबर है, तो वहाँ पे हम अनसाइंड इंट भी ले सकते हैं। लॉन्ग इंट इज यूज फॉर लॉन्ग इंटीजर एंड शॉर्ट इंट इज यूज फॉर स्मॉल इंटीजर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटीजर डेटा टाइप। सो नेक्स्ट इज आवर फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप हम यूज करते हैं फ्रैक्शनल वैल्यूज के लिए, दीज आर ऑल्सो नोन एज रियल डेटा टाइप। तो जितनी भी प्रोग्रामिंग में अगर हमने रियल नंबर्स यूज़ करने हैं, तो रियल नंबर मींस फ्रैक्शनल वैल्यू, तो उसके लिए हम कीवर्ड जो है फ्लोट यूज़ करेंगे। तो जब इसको डिक्लेयर करना है तो इट विल बी रिटन लाइक दिस, फ्लोट देन स्पेस मार्क्स। नाउ आई कैन स्टोर फ्रैक्शनल वैल्यू इन मार्क्स। फ्लोट डेटा टाइप का जो साइज है दैट इज 32 बिट्स एंड इसमें एक नई चीज़ है प्रिसीजन। प्रिसीजन मीन्स कि हम डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स लिख सकते हैं। तो फ्लोट में जनरली जो प्रिसीजन है वो 6 डिजिट्स की है। इट मींस अगर हम 5 पॉइंट कुछ लिखना चाहें तो पॉइंट के बाद हम 6 डिजिट्स लिख सकते हैं, नॉट मोर देन 6। अगर हम 6 से ज़्यादा लिखेंगे तो कंप्यूटर उनको 6 के बाद जो बाकी डिजिट्स हैं उनको इग्नोर कर देगा। अगर हमें एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए तो हम फिर डबल डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ मैंने पॉइंट के बाद मेरे को चाहिए कि मैंने 10 डिजिट्स लिखने हैं या 12 लिखने हैं, तो उस केस में आई कैन यूज़ डबल डेटा टाइप। तो डबल डेटा टाइप जो है वो 64 बिट्स में स्टोर होता है और उसकी जो एक्यूरेसी है वो 15 डिजिट्स है। तो यहाँ पे आपके सामने ये समरी है फ्लोट डेटा टाइप की। फ्लोट डेटा टाइप में कीवर्ड जो है फ्लोट है, सिंपल फ्लो
फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए साइज 4 बाइट्स एंड रेंज इज, ये रेंज जो है एक्सपोनेंट नोटेशन में दी हुई है, -1.2 मल्टीप्लाई, ई स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -38 से लेके 3.4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 38। सिमिलरली डबल जो है 64 बिट्स लेगा स्टोर करने के लिए या 8 बाइट्स एंड इसकी रेंज -1.7 ई रेज टू पावर -308 से लेके 1.7 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 308। अगर हमें इससे भी ज़्यादा नंबर चाहिए तो हम लॉन्ग डबल यूज़ कर सकते हैं जिसका साइज जो है 10 बाइट्स है। सो अवर थर्ड एंड लास्ट बेसिक डाटा टाइप इज करेक्टर डाटा टाइप। करेक्टर डाटा टाइप हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे हमने सिंगल करेक्टर को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। लाइक जब हम फॉर्म में फिल करते हैं जेंडर, तो जेंडर में जनरली वी राइट एम और एफ, तो उसी तरह हम प्रोग्रामिंग में इसको डिक्लेयर कर सकते हैं कैर जेंडर। तो जेंडर की अब जो वैल्यू है उसमें हम ओनली वन करेक्टर स्टोर कर सकते हैं। तो कैर डाटा टाइप यूज टू रिप्रेजेंट इंडिविजुअल करेक्टर्स और इसका जो साइज है दैट इज ओनली 1 byte। करेक्टर की वैल्यू भी साइंड और अनसाइंड हो सकती है बिकॉज जो करेक्टर हमने कॉन्स्टेंट में भी किया था, करेक्टर जो इंटरनली स्टोर होता है दैट इज स्टोर्ड एज इंटीजर वैल्यू। अगर हम ओनली कैर लिखेंगे तो इसकी जो रेंज है -128 से 127 होगी, एंड अगर हम अनसाइंड कैर लेंगे तो इसकी रेंज जो है 0 से लेके 255 तक होगी। इट डजंट मीन्स कि हम ये नंबर स्टोर करेंगे, दिस इज ओनली इंटरनल स्टोरेज। अब जब हम वैल्यू स्टोर करेंगे तो वी कैन राइट कैर जेंडर इक्वल टू इन सिंगल कोमा एम और एफ। ये हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसमें वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं। जो मेमोरी जो एज फार एज साइज इज कंसर्न, चाहे हम वो साइंड कैर लें या अनसाइंड कैर लें, दोनों का साइज जो है वो सेम है, दैट इज 1 byte, मीन्स 8 bits में दोनों वैल्यू स्टोर होती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक डेटा टाइप्स। जो बाकी डेटा टाइप आपके रह गए हैं वो हम सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में करेंगे, लाइक यूजर डिफाइंड जब हम स्ट्रक्चर यूनियन करेंगे, सिमिलरली सेकेंडरी डाटा टाइप जब हम एरे और स्ट्रिंग करेंगे, वाइड डाटा टाइप विल बी डिस्कस्ड इन फंक्शंस, पॉइंटेड डाटा टाइप विल बी डिस्कस्ड इन द चैप्टर ऑफ पॉइंटर्स। सो इन नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस हाउ वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग अ प्रोग्राम। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सेशंस।